हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुभाष सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल अपडेटेड टेक्नोलॉजी में एपसीट के बढ़ते क्रम में हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा कि व्हाट्सएप से सॉरी एपसीट से व्हाट्सएप में डायरेक्टली मैसेज कैसे कर सकते हैं पर उसमें हम लोग ने ये नहीं सीखा या फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं करना सीखा कि हम लोग इमेजेस और पी को भी या डॉक्यूमेंट्स को भी कैसे शेयर कर सकते हैं विद डाटा या फिर इन हो गया या फिर ड्यू बैलेंस का कोई डेटा आप सेंड कर रहे हैं उसके साथ उसका इन्वास अटैचमेंट कर रहे हैं तो वो भी ये इस वीडियो में पॉसिबल है पिछले वीडियो में बताया नहीं गया था जिसमें से कई सारा कमेंट्स में यही बताया गया कि आ, मुझे अगर इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट सेंड करना है एपसीट के जरिए तो ये कैसा पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है और इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा पिछले पिछले वीक में मैंने वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मेरा काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था हाई फीवर हो गया था तो माफ़ी चाहता हूँ पिछले संडे के लिए और मैं इस वीडियो में ज़रूर सारा डॉट्स वगैरह क्लियर करूँगा उसके बाद भी अगर कोई डॉट्स रहता है तो बिल्कुल जैसे आप हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं उस तरह आप इस वीडियो में भी कमेंट्स करिए प्यार करिए और आपने पिछले वीडियो में मैंने तो संडे में वीडियो अपलोड भी नहीं किया लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं लाइक्स भी अच्छा खासा था तो उम्मीद करूंगा इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहेगा और हम भी आप लोग के लिए काफ़ी सारा मेहनत करते रहेंगे किसी भी तरह का डॉट्स होता है बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं तो चलिए देर बिना के वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गो फ्रेंड्स कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव अभी हम लोग एक ऐसा ऐप के बारे में जानेंगे जिसमें इस ऐप के बारे में हम लोग पिछले बार भी इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो चुका है आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाएं और अपडेटेड टेक्नोलॉजी लिख करके आप सर्च करें और साथ में उसका जो भी एप्लीकेशन चाहते हैं जो आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका टाइटल डालें तो अभी मैं सिर्फ ये व्हाट्सअप जो है एपसीट्स के जरिए आप एसएमएस डायरेक्ट व्हाट्सएप में भेज सकते हैं डायनेमिक डाटा को एपसीट टू व्हाट्सएप में जो भेज सकते थे वो वीडियो पिछले बार मैंने बनाया आज 10 से 12 दिन हो चुका है काफ़ी लोग इसे पसंद किया आप लोगों ने कमेंट भी किया तो उसमें से कमेंट्स में आया है कि आप ये आप ऐसा एक वीडियो क्रिएट करिए ताकि हमारा जो इमेजेस है या जो मैं पी क्रिएट करूँ वो भी साथ में डाल सकूँ व्हाट्सएप में शेयर कर सके उसको तो उसके अनुसार मैंने ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ और इसमें सिर्फ डाटा यानी टेस्ट से ही शेयर होता था तो आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए और साथ में आपको इसे इम्प्रूव करने के लिए एक और आपको वीडियो देखना होगा जिसमें आपका पी क्रिएट किया जाता है तो पी क्रिएट करने के लिए देखिए ये आप एक ये वीडियो आप देख सकते हैं जो लिखा हाउ टू डायरेक्टली प्रिंट फ्रॉम द एपसीट एंड एपसीट प्रिंट तो आप ये एक ये वीडियो देख लीजिए और एक ये व्हाट्सएप का तो ये दो वीडियो देखने से आपको कमांड हो जाएगा और आप ये वीडियो को अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप इजीली समझ सकते हैं और इस अपने हिसाब से अपने ऐप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें आप कैसे इमेजेस को भी साथ में व्हाट्सएप में शेयर करेंगे वो भी आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं ऐप सी टू व्हाट्सएप के बारे में जिसमें डायनेमिक तरीके से इमेज को सेंड करेंगे और अभी इसका थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं उसके बाद इस ऐप को कैसे बिल्ड किया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे तो अभी देखिए मैंने एक ऐसे मैंने एक अकाउंट्स क्रिएट किया जिसमें से एक छोटा सा डाटा क्रिएट कर लेता हूँ बस सिंपल सा एक डाटा है और इस ऐप के बारे में और भी डिटेल जानेंगे उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आप तीनों जो भी तीन चार वीडियो रहेगा आप सारे वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा और ऐप में आप इम्प्रूमेंट डाल सकते हैं तो अभी इस प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए ये इमेजेस है और हमें ये इमेजेस को शेयर करना है विथ डेटा इसका जो भी रिलेटेड डेटा है ड्यू बैलेंस के साथ और ड्यू डेट के साथ कि इस इमेजेस का इतना पैसा बाकी है और इतना ड्यू डेट में आपको देना है इस तरह का अगर आप लिख करके शेयर करना चाहते हैं उसके साथ कुछ पी भी जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट पी पे क्लिक करेंगे तो एक पी भी जनरेट हो जाता है उसे भी आप चाहते हैं कि अटैच हो कर के चले जाए तो उसके बारे में भी बताया जाएगा और देखिए अभी मैं अभी सॉरी क्लिक करता हूँ व्हाट्सअप शेयर पर तो ये एक्शन बटन है और ये अभी कैसे काम करता है वो भी दिखाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक ये व्हाट्सएप को रीडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ रेड डायरेक्ट हो भी चुका है नंबर यहाँ सर्च कर लिया और देखिए बस आपको सिंगल क्लिक करना है आपका इमेजेस चला गया उसके पास तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यहाँ आप नाम भी डालना चाहेंगे तो नाम डाल सकते हैं यहाँ आई डाला हुआ है तो उसके बाद लिखा है योर इमेज मतलब अभी जो ये लिंक है वो आपका इमेज का लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इमेजेस को देख सकते हैं फिर यहाँ लिखा है पी डी एफ यू आर एल क्लिक ऑन सी एंड पी डी एफ फाइल मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे का जो यू आर एल पर क्लिक करेंगे तो आप पी डी एफ भी देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है कि ड्यू बैलेंस इज़ हंड्रेड रुपीज़ एंड योर ड्यू डेट इज़ अठारह जनवरी दो हज़ार बाईस तो इतना तारीख को आपको पेमेंट भी करना है तो अभी ये डाटा आप सेम मिला के देखिए आपने जो अभी आप डाटा शेयर किया सेम वही डाटा है इसका हाँ अभी देखिए यहाँ अठारह जनवरी सेम सेम अभी अगर हम दूसरा मैसेज दूसरा प्रोफाइल से करेंगे तो सेम मैसेज नहीं जाएगा उसके अनुसार जो डाटा रहेगा वही जाएगा तो अभी चलिए मैं एक चलिए दयानंद कुमार के नाम से जो डाटा है उसको मैं एक शेयर करते करके देखता हूँ अभी देखिए ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गया ये मोबाइल पे भी काम करता है और इजी तरीके से बहुत अच्छा स्मूथली काम करता है तो आप इसे बिल्कुल यूज़ करिए इस्तेमाल करिए आपके लिए बेस्ट होगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा देखिए इसके अनुसार कितना पंद्रह सौ बासठ रुपया ड्यू डेट इसका ट्वेंटी टू टो है तो अभी आप देख लिए इसका डेमो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये ऐप को कैसे क्रिएट किया गया है और इसमें से कौन कौन सा वीडियो आपके लिए और हेल्पफुल होगा उसके लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा आप उसे भी चेकआउट करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एपसीट के एडिटर की ओर बढ़ते हैं और अगला कदम देखिए ये मैंने डाटा पे आया अभी इसका हम लोग सबसे पहले डाटा इंटरफेस को देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस में जो डाटा सोर्स है वो क्या क्या लिया गया और कहाँ से लिया गया है क्या रेफरेंस में रखा गया है कहाँ से पी क्रिएट होता है कौन सा एक्शन बटन व्हाट्सएप को कनेक्ट करता है तो अभी इसके बारे में डिटेल जानेंगे वीडियो को आप एंड तक बने रहेंगे अभी मैंने डाटा पे क्लिक किया अभी इससे छोटी छोटी और भी आपको जानकारी अगर चाहते हैं तो और भी कई वीडियो में आपको मिल जाएगा कि सीट से ऐप सीट में कैसे आना है ऐप स्प्रेड सीट का डाटा को ऐप में कैसे कन्वर्ट करना है कुछ नॉर्मल बेसिक ऐप सीट का सेटिंग्स होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और भी कई सारे वीडियो में बताया गया है तो उस पर ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं जाना चाहता हूँ अभी तो फोकस करते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे व्हाट्सएप पे तो देखिए व्यू डाटा पे आने के बाद एक बार इसका डाटा सोर्स चेक कर लेते हैं वन सेकेंड सॉरी ओके जस्ट ओके ओपन हो रहा है ये आपका डाटा सोर्स में ओपन हुआ देखिए यहाँ पे जो सीट का स्प्रेडशीट का नाम है व्हाट्सएप ऑटोमेशन और आप अपने अनुसार एप्लीकेशन अप, का नाम दे सकते हैं फिलहाल एक यहाँ प्रोफाइल क्रिएट किया हूँ और एक प्रिक्रिप्सन क्रिएट किया हूँ यहाँ आप नाम चेंज भी कर सकते हैं एक्चुअली मैं यहाँ बिना सोचे समझे कुछ भी नाम दिया हूँ तो एक, एक, एक यूनिक आईडी डी ने मोबाइल नंबर ही मेरा डी ये ही सेम डेटा आपको प्रिक्रिप्सन के मोबाइल नंबर पे ये सब उठाना है सेम और इसका ये यू काम करना चाहिए अभी आपको यही चीज़ मैं दिखाऊंगा कि आपका जब भी भीट्स व्हाट्सएप में जो आपका वन सेकेंड सॉरी ये व्हाट्सअप में आपका जो लिंक आया वो ओपन हो रहा है या नहीं इमेज शेयर हुआ या नहीं ये तो आपने देखा ही नहीं तो मैं इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ तो देखिए ये आपका इमेज पे क्लिक किया तो आपका यहाँ इमेज आ गया आप चाहे तो शायद इसे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये देखिए सेवन इमेज पर क्लिक करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं तो बहुत ईजी है और बस हम लोग छोटी छोटी टॉपिक्स को लेकर के हम लोग समझते हैं तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं अभी देखिए यहाँ का जो डाटा है वो कैसा उठाने का यहाँ से मोबाइल नंबर ई मेल ऑटोमेटिक जाना चाहिए और कस्टमर इमेज तो इसके लिए ये कौन सा इस प्रोफाइल सॉरी इस इस सीट में आना चाहिए तो वही सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके अनुसार बैलेंस इमेज तो अभी इसके बारे में भी बताऊंगा इसके बारे में ये लुकअप फंक्शन पे काम करता है और इसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है फिर भी मैं इस वीडियो में भी थोड़ा इसका चर्चा करूंगा तो अभी चलते हैं डाटा डाटा में अभी आपके पास दो व्यू है एक प्रोफाइल और एक प्रिस्क्रिप्शन तो हमारे पास जो मेन है वो अकाउंट्स क्रिएट करता है प्रोफाइल तो अभी इसका कुछ कॉलम्स देख लेते हैं इसमें आपका यूनिक आईडी है लेबल है और एक इमेजेस को भी ये लेबल पे ले लेता है लेकिन अगर इमेजेस नहीं है तो डबल डबल आप लेबल क्रिएट नहीं कर सकते एक रिलेटेड एंट्रीज है जो प्रिस्क्रिप्शन इस प्रोफाइल से जब भी रेफरेंस होता है ना अभी अगर आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ फॉल्ट कॉलम्स को रेफरेंस में रखते हैं तो उसका रिलेटेड डेटा यहाँ पे एंट्री होता है उसका तो रिलेटेड डेटा बोले तो ऐसा इस प्रोफाइल को अगर हम क्लिक किए तो इसके नीचे जो ये इसका रिलेटेड डाटा यहाँ से एंट्री हम लोग करेंगे वही है आपका तो अभी नेक्स्ट फोकस करते हैं ये आपका तो रेफरेंस किया हुआ है यहाँ पे कस्टमर नेम इसलिए ये रेफरेंस में आ रहा है अभी ये लुकअप फंक्शन के अनुसार ये काम किया तो एक बार थोड़ा सा इसे देख लेते हैं हमें जो लुकअप लगाना है और कस्टमर नेम के अनुसार यानी कस्टमर नेम में जो नाम है उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल प्रोफाइल वाले सीट से हमें लेना है नाम के अनुसार मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी तो हमें यहाँ फ़िलहाल मोबाइल नंबर लेना है तो हमें क्या करेंगे नाम के अनुसार नाम को लेंगे फिर इसके अनुसार क्या चाहिए हमको प्रोफाइल सीट से नाम के अनुसार मोबाइल नंबर चाहिए तो सेम वही हो गया ये आपका सीट नेम हो गया या आपका जिसके अनुसार कॉलम को कॉल करवाना चाहते हैं वो हो गया जो आपको मेन रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे अभी सेम यहाँ सेम सारा सूत्र रहेगा यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला में आप ईमेल आईडी लिखेंगे देखिए यहाँ पे सिर्फ सेम सब चीज़ है बस यहाँ कस्टमर ईमेज है अभी एक और अगर क्रिएट करते हैं ईमेल आईडी में तो ईमेल आईडी भी उठ के आ जाएगा पर अभी मैं दो उदाहरण के लिए समझाया हूँ ये लुकअप के लिए आपको कई वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो अभी नेक्स्ट हम लोग व्हाट्सएप पे एक बार देखते हैं अभी यूएक्स टाइप अभी नेक्स्ट हो गया आपका एक्शन बटन उससे पहले एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं ऑटोमेशन और ये है आपका पी क्रिएट करने का अगर पी क्रिएट कैसे होता है ऑटोमेटिक उसके लिए मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपका वीडियो देखना होगा तो आप इसके लिए ये वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा पी क्रिएट होता है तब आप और एक और ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से आप कौन सा कौन सा कॉलम से डेटा को शेयर कर सकते हैं फिलहाल इसके ऊपर ही वीडियो है तो इसमें भी मैं क्लियर करूँगा जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में ही क्लियर करूँगा इस टॉपिक को तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक वन सेकेंड ये आपका डेमो का था ऐप इस पर मेरा काम करने का है तो यहाँ ऐड एंड अपडेट जैसे होगा वैसे एक आपका पीडीएफ क्रिएट होना चाहिए क्रिएट होने के बाद एक एक्शन जनरेट हो जनरेट पी का जिसमें ये फाइल पाथ आ जाए ये देखिए फाइल पाथ इसका मतलब हुआ कि एक एनकनेट का एक फॉर्मूला है जो आपको आपका एप आप, डाटा ये ऐप आईडी है यहाँ तक आप एप आईडी को कॉपी कर सकते हैं प्रोफाइल के मतलब एप प्रॉपर्टीज में से ये आपको मिल जाएगा यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं नेक्स्ट आप जिस कॉलम को आप देना चाहते हैं जिस मतलब एक नाम देना चाहते हैं कि हर जो भी पी जनरेट हो उसमें से ये प्रीफिक्स में लग जाए तो आप ये कॉलम के नाम अकॉर्डिंग भी उठा सकते हैं अपना डेट वेट के अनुसार भी उठा सकते हैं मतलब एक यूनिक होना चाहिए ताकि ये कॉलम मतलब पी को पहचान करे और वहाँ से उसके अनुसार ही पी को ओपन करे एंड डॉट पी तो ये आपका पी डी जनरेट का हो गया आप इसके इसको डिटेल में जानने के लिए आप दो वीडियो जरूर देखें जो पी क्रिएट होता है अभी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैंने कि ये भी महत्वपूर्ण है ये आपको यू से खोलता है ये ओपन करने में आपको मदद करता है और ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है क्योंकि जब यह आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तो आपका तो ड्राइव uh, शेयर नहीं होगा तो उसका लिंक ही शेयर हो सकता है और लिंक के थ्रू आप उस फोटोज़ को आप देख सकते हैं पी डी को देख सकते हैं तो उसके लिए यू के थ्रू ओपन करना पड़ेगा तो यू आर एल के थ्रू ओपन करने के लिए सेम चीज़ आप कॉपी कर लीजिए मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दूंगा और आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा यहाँ तक आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है बस ये कॉलम अगर आप ये कॉलम का भी नाम फाइल पाथ रखते हैं तो आप इसे भी नहीं कॉपी करना होगा आप इसे भी डायरेक्ट पूरा कंप्लीट कॉपी कर सकते हैं तो देन आप मैं इसे सेव करता हूँ ये आपका हो गया पीडीएफ का प्रोसेस नेक्स्ट आपको एक और रहा व्हाट्सएप का तो व्हाट्सएप के लिए आप बिहेवियर ऑप्शन में आएंगे और बिहेवियर में आप क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका यहाँ से आप क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे आपको कहाँ से डाटा प्रिंट करना है तो मुझे प्रोफाइल से तो नहीं करना हमें ये बार बार ये इसमें डाटा एंट्री होता है तो हमें इससे करने का है तो यहाँ से टेबल आप सेलेक्ट करिए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे डू दिस इसमें मतलब ये जब क्लिक हो तो ये एक्शन क्या कौन सा एक्शन करे तो यहाँ इसको ये एक्शन करना है कि एक वेबसाइट ओपन कर दे एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन कर दे तो गो टू ए वेबसाइट एक्सटर्नल वेबसाइट यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो अभी एक इसको टारगेट देना होगा कि ये कौन सा वेबसाइट को ओपन करेगा तो यहाँ एक लॉन्च एक्सटर्नल कर दीजिए अगर लॉन्च एक्सटर्नल करते हैं तो नया विंडोज़ ओपन होगा अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो एपसीट के अंदर ही उसी विंडोज़ को ओपन कर देगा तो बेहतर होगा नया विंडोज़ ओपन हो वही ठीक है तो इसे आप उप, ओपन कर लीजिए अभी आप यहाँ फॉर्मूला में आपको ये टाइप करना है व्हाट्सअप कौन कौन सा कॉलम को कवर करना चाहिए कौन कौन सा कॉलम को उठाएगा तो उसके लिए मैंने सेम एक्शन को यहाँ क्रिएट किया है तो देखिए ये व्हाट्सअप शेयर के नाम से क्रिएट किया है यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं शेयर लिख सकते हैं व्हाट्सअप शेयर लिख सकते हैं ईमेज शेयर लिख सकते हैं अपने अनुसार करिए देखिए सब चीज़ें सेम है एक्सटर्नल uh, अभी यहाँ टारगेट पे टारगेट पे आएंगे तो देखिए आपको कहाँ से कहाँ कॉपी करना है किस किस बातों पे ध्यान रखना है वो चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ से यहाँ तक एकदम फिक्स कॉपी करना ही करना है मोबाइल नंबर तक यहाँ कॉमा लगाने तक हाँ तो ध्यान रखेंगे आप भी कोई भी कॉलम लेंगे तो मोबाइल नंबर के अनुसार ही व्हाट्सएप पे सर्च करेगा तो मोबाइल नंबर ही लिखेंगे अभी थोड़ा स्पेलिंग अगर चेंजेस करते हैं तो आप थोड़ा स्पेलिंग यहाँ भी चेंजेस कर दीजिएगा तो मेन यहाँ क्या है कि ये है आपका एक्सटर्नल वेबसाइट का ए यही आपका वेबसाइट ओपन करेगा तो ये आपका इनकेटरनेट का फॉर्मूला लगाने के बाद आप एक ईजी सा ए है जो एच टी टी पी एफ है स्लाइस ए पी आई व्हाट्सएप डॉट कॉम लिखना है स्लाइस सेंड वॉट कौन से नंबर पे तो फ़ोन नंबर इक्वल टू फ़ोन नंबर किसके बराबर होना चाहिए तो इन इनकोड यू मतलब जो मोबाइल नंबर है उसे इनकोड करे उसको इंटरनेट के अनुसार इसे कन्वर्ट करे मोबाइल नंबर को और इंटरनेट में जैसा वेब वेबसाइट काम करता है ये नंबर को उस फॉर्मेट में कर दे ताकि ये ओपन हो सके तो आपका यहाँ से देखिए ये आपका हो गया यहाँ तक हो गया एपीआई ये हो गया एक्सटर्नल व्हाट्सएप का ए अभी कॉमा ये आपका कॉमा हो गया अब इसके बराबर इसको आप मोबाइल नंबर को इनकोड करना रहता है इसलिए इस ये फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला बस इनकोड यू आर लिखना है मोबाइल नंबर और इसे ब्रैकेट में बंद करके कॉमा करने का है देन अभी आपको क्या क्या लेना है टेक्स्ट लेना है और इमेजेस लेना है तो टेक्स्ट और इमेजेस को भी आपको इनकोड करना पड़ेगा तभी टेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए तो टेक्स्ट जब भी लिखेंगे तो उसको एंड फार्मूला में आएगा मतलब मोबाइल नंबर से जब भी जाएगा जो टेक्स्ट है वो एंड फिर और भी कुछ एडिशनल कॉलम जोड़ना है तो एंड और भी कुछ एडिशनल लिखना है तो एंड का फार्मूला इसमें ज़्यादा काम आएगा तो एंड के लिए सिर्फ बस ये एंड का साइन देना होगा आपको अभी एंड टेक्स्ट इक्वल टू मतलब और क्या टेक्स्ट हम लोग भेजेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए तो इन कोड यू आर एल उसका होना चाहिए कस्टमर नेम जाना चाहिए कि हाई कस्टमर uh, नेम जाना चाहिए और फिर हमें इमेजेस भी जाना चाहिए और यू आर एल भी जाना चाहिए पी डी एफ का मतलब पी डी एफ भी हमें ओपन होना चाहिए कितना बैलेंस उसका वो भी जाना चाहिए और कितना ड्यू डेट है वो भी जाना चाहिए तो अभी हमें जो जो कॉलम लेना है वो कॉलम यहाँ से कॉपी करते जाएंगे जो कॉलम लेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे और देन यहाँ पेस्ट करेंगे तो पर ध्यान रखेंगे यहाँ देखिए ये यह आपका कॉलम यहाँ से ये यह आपका कॉमा हो गया यूनि या ये जो है आपका छोटी ब्रैकेट वो आपको आखिरी में यहाँ क्लोज करना है तो इसके अंदर ही सारा जितना भी हम लोग को कॉलम्स लेना है वो इसके अंदर ही लेना होगा तो अभी हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग कोई भी कॉलम ले लिखते तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो अभी देखिए ये करली ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट के बाद तो उसके बीच में हम लोग करली ब्रैकेट में ये लिखेंगे उसके बाद देखिए सेम आपका यहाँ पे इमेजेस है सेम फिर से आप कली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं कॉलम वो आप ले लीजिए ध्यान रखेंगे कि अभी इसके बीच में अगर आपको कुछ टाइप करना है जैसे कस्टमर नेम तो आप यहाँ फिर अगर लिखते हैं इमेजेस आप भेज रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं योर इमेजेस योर क्लॉथ इमेजेस या फिर योर प्रोफाइल इमेजेस तो ये जो अभी लिखना है वो एंड के बीच में लिखना है यहाँ एक एंड देना है एक यहाँ एंड देना है मतलब आप दो एंड दीजिए उसके बीच में आपको एक सेमी कोमा भी दो देना है और उसके बीच में आप, आप स्पेस लगाना चाहते हैं तो स्पेस लगाइए या फिर कुछ लिखना चाहते हैं उस इमेज के बारे में कि ये आपका इमेज है तो फिर आप यहाँ इसके एंड के बीच में ही लिखेंगे अगर छोटी सी स्पेस भी देना है तो एंड डबल एंड और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर फिर एक स्पेस दबाइए तो आप स्पेस आपको व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगा देन व्हाट्सएप में अगर कोई चीज़ बोल्ड करना चाहते हैं कोई शब्द को तो बोल्ड करने के बारे में भी बताया गया है जो पिछले बार मैंने व्हाट्सएप में सेंड जब भी होता है वेबसीट के ज़रिए तो उसको आप एक बार उस वीडियो में देखेंगे तो व्हाट्सअप में कुछ अक्षर बोल्ड करना चाहते थे तो वो भी डायरेक्टली यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं तो भी आप देख लेंगे तो अभी देखिए ये आपका हो गया नेक्स्ट आपको ये पी तो आप लिखना लिखेंगे कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप इस पीडीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आप इसका डिटेल देख सकते हैं या फिर इन देख सकते हैं तो आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं तो देन आपको ये लिखे उसके बाद आप यहाँ उसका कॉलम डाल दीजिए कौन सा कॉलम से उठाएगा तो फाइल यू आर एल से तो फाइल यू आर एल अभी हम कैसा काम करता है वो चीज़ ध्यान देने का है तो अभी उसके बारे में भी बताऊँगा तो देखिए ये क्या करेगा फाइल यू आर एल ये जो फाइल यू आर एल है पाथ तो ओपन नहीं कर पाएगा है ना इसलिए नहीं ओपन कर पाएगा क्योंकि ये लिंक नहीं है ये सिर्फ एक पाथ है तो ये सिर्फ उसी आ, आईडी पे काम आएगा जो डायरेक्टली सीट से ओपन होगा तो हमें इसी चीज़ को ओपन करने के लिए यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ा तो यूआरएल में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ ये तो इंटरनेट में कोई भी ब्राउज़र में काम करेगा इसलिए फ़ाइल यूआरएल तो ये कॉलम में जितना भी हमारा यू आए वो भी शेयर होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि फाइल यू एंड योर ड्यू बैलेंसिस यहाँ पर आप लिखेंगे अगर आप यहाँ डी बैलेंस का कॉलम दिए तो उससे पहले फिर एंड फंक्शन लगाएंगे यहाँ का एंड फंक्शन यहाँ का एंड फंक्शन और ये सेमीकोम है ये सेमिकोम है उसके अंदर जो लिखना है वो लिखिए तो यहाँ पे डिओ बैलेंस है तो हमें यहाँ लिख सकते हैं योर डी बैलेंस इज आर एस इतना तो आर एस फिर यहाँ बैलेंस जितना रहेगा उतना ऑटोमेटिक कवर करेगा तो ये आप लिख सकते हैं फिर यहाँ देखिए स्पेस एक दिया हुआ है एक छोटा सा कॉम छोटा सा बिंदु दिया हुआ है ये फुल स्टॉप के लिए दिया हुआ है तो फुल स्टॉप के बिंदु देने के लिए भी हमें डबल एंड का उपयोग करना पड़ा डबल एंड लिखे फिर उसके अंदर सेमी डबल सेमी कॉमा डॉट डाले या फिर तो अभी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आपको जो भी शब्द लिखना है या फिर कॉमा स्पेस वगैरह अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो डबल एंड के बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा देन यहाँ ड्यू डेट तो यहाँ फिर लिखा हुआ है एंड योर ड्यू डेट तो ये भी देखिए आप एंड का एंड यहाँ यहाँ दोनों बीच में इसके बीच में ही लिखा हुआ है फिर यहाँ ड्यू डेट उसके बाद आप इसे क्लोज़ दीजिए ये सही हो गया अभी आपको ध्यान देना है कि मेन इमेजेस यहाँ काम कैसे किया तो आपको इमेज वाला जो आपका फोटोज़ का इमेज वाला है ये यह देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये इमेजेस का एड्रेस है वो तो ईजली इसलिए ओपन हो रहा है कहा कि आप एप्लीकेशन में इजी तरीके से आप यहाँ से आप अपलोड कर रहे हैं ये देखेंगे यहाँ पे आप इजी तरीके से आप यहाँ से इमेजेस में आप इमेजेस को अपलोड किया तो उसका एक यू बन गया उसका एक एड्रेस बन गया है देखिए ये जो आप एड्रे इमेज ओपन करते हैं ऐड करते हैं तो इसका एक यू गूगल ड्राइव में बंद है तो इसलिए आप डायरेक्टली कॉमन यहाँ कॉलम में सिर्फ बस इतना इजी है कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप में जब भी शेयर करेंगे बस कॉलम को लेना है पर ये इमेज ओपन करने के लिए डायरेक्टली अगर अभी आप सिर्फ़ इमेजेस लिख देते थे, थे तो आपके पास इमेजेस जाता कहाँ से था तो ये इमेजेस आपने अपलोड किया इसलिए डायरेक्टली कॉलम इमेज वाले कॉलम को यहाँ पे लिया तो आपका ओपन हो गया लेकिन अगर आपका पी डी एफ इन्वॉइस आपको शेयर करना है तो इन शेयर करने के लिए उसको वो कॉलम आपको बनाना पड़ेगा तो वही आपका फ़ाइल यू आर एल का जो है वो पी डी एफ यू आर एल का बना है अभी ये आपका बन गया अभी ये चीज़ यहाँ पर आपको पुट करने के लिए आपको पी तो क्रिएट करना पड़ेगा अभी पी डी क्रिएट करना पड़ेगा इसके वजह से ही आपको ये आपका एक्शन काम किया था ऑटोमेशन वाला प्रिंट यहाँ से आप दे सकते हैं सॉरी यहाँ से आप जब भी एड एंड अपडेट हो तो ऑटोमेटिक एक आपका पी क्रिएट हो जाए जनरेट होकर के और इस डिक्रिप्सन आई डी यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी आपका एक क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे आपको जो फाइल प्रीफिक्स नेम यानी फाइल का जो पहचान करवाना चाहते वो यहाँ पे देंगे और यही चीज़ कॉपी करना है आपको यहाँ पे जब भी आप सेट एडो जब आपका एक्शन बटन क्रिएट होता है तो फाइल यू आर एल वाले में यही चीज़ ध्यान आपको देना पड़ता है सॉरी यहाँ पे फाइल पाथ में जब भी ये ओपन जब भी पी डी एफ जनरेट क्रिएट करके ये एक एड्रेस को वहाँ से पी को शो करने के लिए खींचता है वो यहाँ आपको यही आपने पहचान करवाया था ना फाइल को फिर डॉट पी तो यहाँ चेक करेगा जाएगा पहले एपसीट में जाएगा फिर इसका डाटा फोल्डर में जाएगा फिर व्हाट्सएप का ये आईडी पे जाएगा फिर यहाँ पे देखेगा कि इस नाम से कोई फ़ाइल है कि नहीं फिर उसमें डॉट पी है कि नहीं तो ये देखने के बाद यहाँ से आप ओपन करते हैं हर सेम जब इतना बड़ा यहाँ जो इतना लंबा होगा आप इसे भी डायरेक्टली कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे यहाँ पे आप यहाँ इतना लंबा पेस्ट कर सकते थे लेकिन इतना लंबा पेस्ट करने का जरूरी नहीं सेम काम वही करेगा जो इसमें कर रहा है तो इतना लंबा पेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली फाइल पाथ को ही पेस्ट कर दीजिए फाइल पाथ बोले तो ये यह, ये समझिए फिर ये पेस्ट हो गया ऑटोमेटिक तो इतना लंबा पेस्ट करिए या फिर इसे पेस्ट करिए तो अच्छा है ना छोटा फाइल पाथ को आप पेस्ट करेंगे तब भी वही काम करेगा तो मैंने ये पेस्ट किया ये पेस्ट किया तो अभी इसका यू आर एल बन गया यू आर एल बन गया यहाँ पर अभी ये तो आपका यू में कन्वर्ट हो गया अभी यू में कन्वर्ट हो गया तो अभी जब ये आपने व्हाट्सएप का जो एक्शन क्रिएट किया व्हाट्सएप का तो आपको उतना पूरा लंबा यू देने का ज़रूरत नहीं पड़ा इसलिए सिर्फ आप लिख दिए फाइल यू तो फाइल यू पकड़ लिया और यू को सेंड करने लगा और अगर आप फ़ाइल पाथ को डायरेक्टली सेंड करते थे तो पाथ लिख करके आता था फिर उस पर क्लिक करते थे तो क्लिकबल होता था नहीं क्योंकि वो यू नहीं था अभी आपने यू में कन्वर्ट किया तो आपको ईजी क्लिक करते थे तो आपका फ़ोटो शो होता है जैसे कि यहाँ पे आपका फोटो शो हो रहा है यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो शो हो जाएगा तुरंत देखिए यहाँ पे फ़ोटो ओपन हो रहा है बस चंद सेकेंड में ही ओपन हो जाएगा ये आपका फ़ोटो ओपन हो गया यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अभी बाकी कुछ चेंजेस वगैरह फोटो फिगर को चेंजेस वगैरह करना है तो एप्लींस यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं ये बटन को आप कहाँ रखना चाहते हैं कहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं एक बार ये यह बटन यहाँ सो हो रहा है तो कैसा सो रहा है उभरले पे करेंगे तो इधर होगा यहाँ पे सो हो गया हमें डिस्प्ले पे चाहिए तो ये डिस्प्ले पे हो गया तो ये बेहतर है अभी आई थिंक देखिए ये भी आप शेयर करते हैं तो कैसा काम करता है अगर डिस्प्ले उभरले पर करते हैं तो किसका जो फाइल ओपन रहेगा उसके अनुसार ही ओपन करता है तो बेहतर है आप डिस्प्ले प्रॉपरली पे सिलेक्ट करें ताकि आपको भी पता चले देखिए यहाँ आपको एक बार में कितना सारा अभी इस पर एक फ़ायदा है अगर आप इस ऑप्शन पे, पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक्चुअली अगर एक साथ चाहते हैं कि ज़्यादा सारे को सेम डेटा शेयर से करें तब के लिए आपका काम आएगा कि आप ये फंक् यहाँ जब फंक्शन था अभी डिस्प्ले ओवर ले तो आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ये एक बार क्लिक करेंगे तो एक डेटा को मल्टीपल जगह भेज सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ओपन हुआ तो यहाँ नंबर सिलेक्टेड नंबर पे नहीं आया बस इतना सारा ओपन कर दिया अभी जस्ट आप टिक टिक करें टिक टिक करेंगे सेंड करेंगे तो सबके साथ एक बार में चला जाएगा एक बार में चला जाएगा पर आप चाहते हैं कि नहीं इसका सिर्फ डेटा है सिर्फ उसी के पास जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा ये आपको करना होगा यहाँ पे तो इसके लिए ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये डेटा इसके अनुसार जाएगा अभी आप क्लिक करते हैं तो देखिए उसका नंबर फाइंड करेगा और उसी के नंबर पे चला जाएगा अभी यहाँ देखिए ओपन करता है व्हाट्सएप फटाफट और उसका ही नंबर पे जाएगा तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ ये कौन सा नंबर है? एक बार देख लेते हैं शायद रॉन्ग नंबर है आई थिंक पेमेंट ये नंबर था ना ये एक्चुअली मेरा ही नंबर है तो अभी देखिए वो सेम अभी ओपन हो जाएगा उसके अनुसार और मेरे नंबर पे ही व्हाट्सएप ओपन कर देखिए वन सेकेंड यहाँ लास्ट फाइनल चेकअप एक्चुअली येस देखिए यहाँ पे ओपन हो गया इसके जो नाम सेव था उस का ही डाटा पे अपना सारा डाटा सेंड कर दिया है तो गाइज आई होप कि आप ये पूरी वीडियो को समझ चुके होंगे और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मुझे कमेंट करेंगे और वीडियो के आखिरी में एक नम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा आई होप और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे नम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल का आप सदस्य बने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऑन कर ले बेल आइकन को दबा करके ताकि इस तरह का वीडियो आप अगर ऐप सीट में ऐप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह का आपको वीडियो हमेशा तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को मिस ना कर सके अपने ऐप में इम्प्रूवमेंट डाल सकेंगे तो मैं सुभाष आपसे विदा लेता हूँ गुड नाइट जय हिंद